सो हेलो फ्रेंड्स, सो नीट का जो एग्ज़ाम हो चुका है और BYMS जो योगा का कट ऑफ है वो मैं बताने वाला हूँ नीट 2023 के बारे में। तो बहुत जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि योगा में भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, जिनके कम मार्क्स से आप योगा में भी सिलेक्शन लेके अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, एक आप अच्छा योगेशियन बन सकते हैं। बहुत जगह आप योगा वाला जहाँ पर होता है वहाँ पर आप अलॉट हो सकते हैं और वहाँ पर या फिर अपना भी खोल सकते हैं आप योगा सेंटर। सो अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है। बहुत लोग जो है उसको भरते नहीं है, बट मैं बोलूँगा आपको कि इसको आप फिल कर दें, ठीक है। योगा में भी आप ले सकते हैं पार्टिसिपेट, अगर आपको कहीं ना कहीं जाना है, आपको जो ग्रेजुएशन डिग्री करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, डॉक्टर भी लगा सकते हैं आप अपने नाम के आगे। तो स्टार्ट करते हैं, और इसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, ठीक है, बाकी सारे कोर्सेज से, BMS BHMS से कम जाती है, ठीक है, योगा में, ठीक है। इसकी सीट्स भी लिमिटेड है और बहुत लोग भरते नहीं है, क्योंकि इसमें करियर जो है वो अगर कोई चॉइस करता है कि मुझे बनाना है तो वो बना सकता है। सो जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो 420 प्लस जाती है, 420 अगर किसी के मार्क्स आते हैं 420 के अराउंड तो आपको योगा में सिलेक्शन हो सकता है BYMS में। नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैंडिडेट्स की, EWS कैंडिडेट्स की और थोड़ा कम जाती है, ठीक है, 400 के आसपास कट ऑफ जाती है, 400 के आसपास कट ऑफ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं EWS OBC की, तो OBC की अगर किसी इस साल जो है किसी की 405 मार्क्स के अराउंड है तो आप BYMS आराम से परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं SC कैंडिडेट्स की, तो उनकी तो कट ऑफ बहुत लो जाती है, SC कैंडिडेट्स की 310 प्लस मार्क्स किसी के रहते तो SC कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो सकती है। बात करते हैं ST कैंडिडेट्स की, तो SC कैंडिडेट्स के 250 प्लस मार्क्स हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन, तो ST कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिनके कम मार्क्स है वो आराम से ले सकते हैं। तो जब रिजल्ट निकल जाएगा नीट का तब मैं रैंक वाइज आपको बता दूंगा कि किस कॉलेज में किन कौन से रैंक पे मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।